हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास प्रिंटर आया है एप्सन L805। इस प्रिंटर में क्या दिक्कत आ रही है, जैसे कि देखो प्रिंटर चालू करते हैं और इस सभी लाइट ब्लिंक करने लगता है, देख पा रहे हैं येलो, थोड़ी देर में पूरी लाइट ब्लिंक करने लगता है। इसके अंदर देखो ये बेल्ट टूटा है, इसकी वजह से ये लाइट ब्लिंक कर रहा है। चलो इसको बंद करते हैं, इसके पहले ऊपर की ट्रे खींच लेते हैं पेपर वाली, इसको हटा देते हैं और पेंच कस लेंगे, इसके चारों नट को खोलेंगे। आगे दो नट लगे रहते हैं, ये दोनों ये मैंने पहले से खोल लिए हैं, और दो नट ये पीछे लगे रहते हैं, इसको भी आपको खोल लेना है और इसको हटा देना है। कुछ इस प्रकार से आपको हटा देना है और इस बेल्ट को आपको दोनों हाथ से खींचना है, दोनों हाथ से यहाँ से अंदर डाल के वो कुछ इस प्रकार से खींच लेना है बेल्ट को, टूटे हुए को, और इस टूटे हुए बेल्ट को फेंक दो, कुछ काम का नहीं है वो। अपना नया बेल्ट लेते हैं और इस बेल्ट को डाल दो, ये दोनों हाथ से डलेगा इसलिए मैं पहले डाल देता हूँ। इसमें कैरेज खोलने की ज़रूरत नहीं रहती है, ये बेल्ट यहीं से भी डल जाता है, कोई कोई कैरेज खोल के डालता है। ये हमने बेल्ट लिया, इसमें एक जगह कट टाइप का लगा रहता है, दोनों तरफ इसके दांते रहते हैं, तो ये यहीं पर यहीं से लगता है, अगर वैसे कहीं से लगाओगे तो फिर दिक्कत कर जाएगा। ये हमारा बेल्ट लग चुका है, अब चलिए इस बेल्ट को अपन चढ़ा देते हैं। इस पर पहले आपको इस साइड चढ़ाना है, गरारी साइड, फिर मोटर साइड पर चढ़ाना है। ये कुछ इस प्रकार से मोटर साइड पे आपको चढ़ा देना है, और ये हमारा देख सकते हैं मोटर साइड भी चढ़ चुका है अपना बेल्ट, ये मोटर साइड से चढ़ चुका है। देखिए मोटर भी इसको घूमने लगी, बेल्ट भी चलने लगा है, और इसको साइड में करेंगे अपन, और जो क्या कहते हैं कवर रखा था उस कवर को उठाएंगे। ये रखा मेरे नीचे कवर इसका प्रिंटर का, और इस कवर को जिस प्रकार अपन ने खोला था उसी प्रकार इसको फिट कर देना है। ये कुछ ये थोड़ा क्या कहते हैं आगे की तरफ करेंगे तो ये फिट बैठ जाएगा, क्योंकि आगे की तरफ ही थोड़ा थोड़ा फंसता है ये। ये कुछ आपको इस प्रकार से फिट कर देना है, ये लो थोड़ा आगे पीछे ठोक देंगे तो अपने आप ये फिट हो जाएगा। ये हमारा फिट हो चुका है, अब चलिए इसके नट उठाते हैं, अब नट को भी कसते हैं। हमारा फिट हो चुका है सही से, इस नट को कसेंगे और इसको भी कसेंगे, दो पीछे लगे रहते हैं नट उनको भी कसेंगे। चलिए ये हमारे नट को कस देते हैं, ये आगे का नट हमारा कस गया है और ये पीछे का भी, ये क्या कहते हैं आगे के दोनों नट हमारे कस चुके हैं। इसको भी चलो कस देते हैं, ये नट हमारे कसे गए हैं, और इसी प्रकार आपको दोनों नट पीछे के इसके कस देने हैं। ये रहे यहाँ के नट, एक ये है और एक ये दूसरी साइड है, ये रहा कि हमारे नट कसे गए हैं दोनों साइड के। अब चलिए इस प्रिंटर को चालू करते हैं, अभी ये हमारा देख सकते हैं प्रिंटर चालू हो गया है। अब देखिए अब यहाँ से अपन प्रिंट देते हैं, ये यहाँ से अपन ने प्रिंट दे दिया और देख पा रहे हैं जैसे कि उसने प्रिंट ले लिया है प्रिंटर ने। ये अपना प्रिंटर छापने की प्रोसेसिंग करने लगा है, पेज अंदर चला गया और छापने की प्रोसेसिंग ये करने लगा है, और ये हमारा प्रिंट निकल चुका है। ये रहा इसका नोजल चेक का मैंने प्रिंट दिया था, नोजल चेक उसने निकाल दिया है। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।